नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रुस्तो की। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या हुआ। तेज बारिश से शहर में जलभराव, गेहूं की फसल को नुकसान। बरेली में देर रात से सुबह तक तेज बारिश होती रही, इससे शहर से लेकर देहात तक गली मोहल्लों में जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। उधर शहर में कई जगह चल रही खुदाई के चलते भी सड़कें कीचड़ से पट गई। फिसलन के चलते कई लोग गिरकर चोटिल भी हुए। तेज हवा और बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खेत में फसल बिछने से बर्बाद हो गई। बेमौसम बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आई। एडीजी ने वीसी से जोन के अधिकारियों को दिए निर्देश। एडीजी पीसी मीना ने मंगलवार को बरेली जोन के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए कि आगामी त्योहार चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, रमजान, ईद और झूलेलाल चेटीचंद जयंती को सकुशल संपन्न करवाएं। पर्वों पर निकलने वाले जुलूसों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। ज्वाइंट फोरम केंद्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारियों ने मंगलवार को प्रदर्शन करा। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए मांग करी कि हमारे देश के सांसद एक दिन के लिए भी संसद चले जाएंगे तो उन्हें पेंशन मिलेगी, तो हम लोग राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन के हकदार क्यों नहीं? जब एक देश, एक संविधान, एक विधान और एक निशान है तो ये कहाँ का न्याय है? ईसाइयों वाली पुलिया के पास बेहोश मिला युवक। थाना बारादरी क्षेत्र में ईसाइयों वाली पुलिया के पास एक 25 वर्षीय युवक बेहोशी की हालत में पुलिस को मिला। पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए बेहोश युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। दवाई लेकर लौट रहे अधेड़ की ट्रेन की चपेट में आकर मौत। थाना आंवला के गांव आनंदपुर निवासी 50 वर्षीय सोनपाल सोमवार देर शाम रामपुर गार्डन स्थित एक अस्पताल से दवाई लेकर ट्रेन से वापस घर जा रहे थे। सिरोही स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। पैर फिसलने से कुएं में गिरा युवक, मौत। थाना हाफिजगंज के गांव औरंगाबाद निवासी 45 वर्षीय कृष्णपाल सोमवार देर शाम खेत पर जा रहे थे। तेज बारिश के चलते रास्ते में उनका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरे, इससे उनकी मौत हो गई। खेत में निकला अजगर, ग्रामीणों के उड़े होश। मीरगंज थाना क्षेत्र के नौसेना गांव में बारिश के दौरान खेत में अजगर निकलने से खलबली मच गई। खेत पर काम कर रहे ग्रामीणों ने अजगर देखा तो उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है। फिलहाल आज की बरेली की खबरों में इतना ही। ऐसी ही अन अपडेट पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।